अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे इस तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। जो सिंपल वीडियो आपने देखी है, इस तरह की वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कैपकट की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कैपकट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपने ओपन करना है, यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक वीडियो ले लेनी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने इस वीडियो को ले लेना है। यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने आगे चले जाना है, यहाँ से इसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अपने वॉइस को यहाँ से आपने ऑफ कर देना है, म्यूट कर देना है। यहाँ से कैप कट का लोगो आपने डिलीट कर देना है। कैप कट का लोगो आपने डिलीट करने के बाद यहाँ से आपने म्यूज़िक ले लेना है, ऑडियो ले लेनी है, उसी वीडियो की आपने दोस्तों ऑडियो ले लेनी है। तो यहाँ से मैं उसी वीडियो का यहाँ पर मैं ऑडियो ले लेता हूँ। ऑडियो लेने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो ले लेनी है। आपने अपने यहाँ से 8 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपने अपनी 8 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से फ़ोटो को आपने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आपने फुल स्क्रीन कर लेना है। आपकी जितनी भी फ़ोटो होंगी आपने इस तरह से इनको फुल स्क्रीन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे फ़ोटो फुल स्क्रीन कर दिए। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इनकी टाइमिंग सेट कर लेनी है। यहाँ पे मैं टाइमिंग जल्दी से सेट कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आपने क्या टाइमिंग रखनी है एक फ़ोटो की। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइमिंग सेट कर ली है। तो यहाँ से आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ, आपने टाइमिंग यहाँ पे एक फ़ोटो पे 1.3 इसकी आपने रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो 0.8 आपने रखनी है। उसके बाद इसको आपने नेक्स्ट की आपने 0.7 रख लेनी है। उसके बाद आपने 0.5 रखनी है। उसके बाद 0.8, उसके बाद 0.6, उसके बाद आपने 0.7 और लास्ट वाले की आपने 0.5 यहाँ पर रख लेनी है। उसके बाद फ़ोटो को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है और इन एनिमेशन में जाके आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला एनिमेशन लगाया और यहाँ से आपने इसको इस तरह से आपने तेज़ कर देना है, ओके कर देना है। इसी तरह से सारों की आपने इन एनिमेशन लगा लेना है, जो भी आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, यहाँ से मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपने यहाँ से आपने इसकी क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने इसके ऊपर तीर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।